गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पे और एसएससी के इस चैनल पे। बड़ी खबर के साथ हम लोग आपके सामने हैं और इस खबर की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके थंबनेल पे लिखी है, न्यू बैच फॉर यूपीएसआई 2020। जबरदस्त टॉप क्लास के फैकल्टीज हमारे साथ इस बैच में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ये जीवेश सर जुड़ चुके हैं और श्यार सर जुड़ चुके हैं और बहुत ही शानदार ये फैकल्टी है। इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, बड़े बड़े फैकल्टी है भाई, कभी कभी इनके दर्शन मुझे भी होते हैं। तो आज जो है अगर, और हमारे साथ रविंद्र सर भी जुड़ चुके हैं, ये सारे वो फैकल्टी है जो टॉप क्लास का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो। भाई आपको हम बता दें कि जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़ लो, क्योंकि जो आज बताने हम जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। जिनके सपनों में कहीं ना कहीं एक पंख लगे हुए हैं, जिनके सपनों में एक उड़ान है, जिनके सपनों में एक वर्दी को पहनने का जुनून है, जज्बा है, उनके लिए शतशय सेशन क्रांतिकारी है। और आपको हम बता दें, कोई भी नई सोच नई चीज तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक उसके लिए आप जुनून नहीं बनाते हैं। जिंदगी को उस पहिए पर लेकर आना पड़ता है जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, और स्पीड के लिए हमेशा, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए हमेशा आपको मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और ये टॉप क्लास के फैकल्टीज जो हमारे साथ जुड़े हुए, रविंद्र सर, श्यार सर और जीवेश सर, और भी बेहतरीन लोग इस बैच में है जो आपको पढ़ा करके आपकी नैया पार लगाएंगे। तो ये जो सेशन है भाई, फटाफट आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो गाइस लास्ट तक सेशन देखना, मैं बता रहा हूं कि अगर वर्दी का जुनून है तो आज ये जुनून आपका परवान चढ़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक से एक टॉप क्लास के फैकल्टी है। तो सबसे पहले जीवेश सर के पास जाना चाहेंगे। जीवेश सर बताओ भाई, वर्दी का जुनून वालों के लिए क्या कहना चाहते हो? तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गणेश जी का जो हमारे संस्कृति में एक सिंबल रखा गया है वो शुभता का प्रतीक है। तो मैं आज अभी को बताना चाहूंगा कि आज से अगर आप निर्णय लेते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वो इस वजह से कह रहा हूँ, उसके दो रीजन है। पहला, उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 9000 से ज्यादा पोस्ट्स के लिए आ रही है, यानी आपके पास चांस बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आपको अनुभवी फैकल्टी मिलेगी, जैसे जितेंद्र सर हो गए, रविंद्र सर हो गए, यज्ञ सर हो गए, मैं हो गया, मानस सर हो गए, इन सबके पास, हम सबके पास ना अपना 10 साल का अनुभव है। तो हमें पता है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बच्चों को किस तरह उनकी तरबियत, उर्दू का वर्ड है तरबियत, ये ट्रेनिंग करनी है। इसमें बैच में सर, मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। जो सब इंस्पेक्टर का मेन फंक्शन होता है या मुख्य काम होता है वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो उसे बेसिक्स लॉज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी CRPC हो, इंडियन पेनल कोड हो, एविडेंस एक्ट हो, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट हो, SC ST एक्ट्रोसिटी एक्ट हो और पेरेंट्स एक्ट हो, जो आपका से अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड होता है जिसमें लिंग की जांच करा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थ्योरी वाइज पढ़ाई जाएगी। सोनोग्राफी एक्ट था 1926 में आया था, आई थिंक। बिल्कुल और इस तरीके से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसे लॉयर्स को पढ़ाया जाता है ना, उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने खुद वकालत की पढ़ाई करके, तो मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा क्लियर कर पाएंगे सर। तो जीवे सर, एक चीज मैं और बता दूं कि आपने गणेश चतुर्थी की बात की, गणेश जी की बात की, तो भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहली बार जो सर्जरी का एग्जाम्पल मिलता है वो यहीं पर मिलता है। पहली बार जो शल्य चिकित्सा हुई थी वो ये माना जाता है जो हाथी का सिर काट करके लगाया गया। लेकिन आज अभी हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं है कि अगर सर कट जाए तो दूसरा सर हम जोड़ पाए, लेकिन कोई साइंस ऐसा डेवलप है। किसी दिन देखिए, रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन किया गया था, आज देखिए प्लेन उड़ रहा है। तो कोई साइंस ऐसा डेवलप जरूर होगा जब हाथी का जो सर है या किसी और प्राणी का सर है दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा सके, ये साइंस आएगी जरूर आने वाले टाइम में। और मैं आपको बता दूं कि गणेश जी का, जिस समय गणेश जी का सर कटा तो हाथी का ही सर क्यों लगा भाई? बकरे का भी लग सकता था, किसी का भी लग सकता था भाई, जब सर्जरी होनी है तो कोई भी हो सकती थी। बिल्कुल, हाथी का सिर यहाँ पर एक चीज का सिंबॉलिक है, ब्रेन बड़ा, और जो ब्रेन बड़ा है वही इस दुनिया में बड़ा होगा। इसलिए प्रथम पूज्य देवन में, देवों में जो सबसे पहले पूजे जाते हैं वो गणेश जी पूजे जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन बड़ा है। अगर आपका ब्रेन बड़ा है तो दुनिया में आप सबसे पहले पूजे जाएंगे, ये ध्यान रखिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर ब्रेन आपका बड़ा है तो आपको हमेशा इज्जत और सम्मान, प्रथम पूज्य रहेंगे, ये जान लीजिए। श्रेय सर आप बताइए क्या कहते हैं इस बारे में? माफी चाहूंगा सर, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं जितेंद्र शर्मा, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र सर
बार बार जो आपका नाम लिख करके आ रहा मैं तो वही नाम लूंगा क्योंकि बच्चा भी यही नाम बिल्कुल श्रेय शर्मा लिखोगा मैं वही सोच रहा हूँ श्रेय कौन है क्योंकि बच्चा भी तो यही नाम देख रहा है भाई। जी 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 आप बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी क्वेरीज है इस बैच के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं सलोनी सैनी सुधीर यादव सर आशीष सिंह राठौर तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और यहाँ आपकी एक एक क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन अड्डा 24/7 की हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है बेस्ट कंटेंट अपने स्टूडेंट को देना। यहाँ की फैकल्टी जो डेडिकेशन दिखाती है हमें अपने काम से मतलब होता है और हम अपने उस पर बहुत फोकस करके चलते हैं। जी वैसे सर एक चीज बता दें कि एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की रही बच्चों को इतना प्यार मिला है 3 दिन हुए बैच लॉन्च किया हुआ 100 एडमिशन हो चुके हैं तो बच्चों का बहुत बड़ा प्यार इस बैच में मिला है तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि टोटल मिला के 500 सीट रखी है ये कब बढ़ जाएगी पता नहीं चलेगा गाइस फटाफट जुड़ जाओ सब लोग ठीक है। आज जहां तक मैं बात करूं मैं जितेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पे और गाइस मैं आपको इस सेशन में जीएस का सेक्शन लूंगा जीवेश सर यहां पे आपको पॉलिटी और लॉ का सेशन लेंगे लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और साथ साथ में साइंस के कुछ पार्ट कवर करूंगा और साथ साथ में बेसिकली जो यूपी जीके जो इस समय पूछे जाने का जो ट्रेंड अब चल रहा है इस पे भी हम लोग आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चिंत रहिए यकीन मानिए 9254 की जो वैकेंसी एसआई की यूपी में आ रही है आपके लिए लास्ट मौका है क्योंकि अगर इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है तो यहां पर एक आईआईटीएन भी बैठेगा गाइस पेपर देने के लिए और उस समय जो है एक एमबीए वाला भी व्यक्ति बैठेगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस समय 2 स्टार अगर लेने हैं तो मेहनत करिए दिलो जान से मेहनत करिए हमारे साथ जुड़िए इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको यहां पर टीच करेगी निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी मेरे दोस्तों निश्चित ही सफलता मिलेगी। बाकी रविंदर सर भी हैं जो आपको यहां पर मैथ में गाइड बहुत अच्छी तरह से करेंगे रविंदर सर बताएं सर मैथ में आपका जलवा चलता है बताइए बच्चे कहते हैं मैथ पढ़ेंगे रविंदर सर से तो सभी एस्पिरेंट को भाई गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और यहां पर जैसे कि सर ने बताया आप लोगों को थोड़ा आइडिया पता लगी कि आपको सर ने अपने लॉ के बारे में डिस्कस किया सर यूपी जीके के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया यहां से क्लियर लग गया होगा कि बेसिकली यूपी सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी है एक पर्टिकुलर सेशन में ही आपकी हो पाएगी। हाँ जी सर एक बार आपको रोकेंगे बच्चों को ये बैच कैसे मिलेगा ये बता दें बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल एक बार बच्चों को बताइए बिल्कुल सर एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये बैच कैसे मिलेगा बच्चों को बच्चों हाँ आपको कुछ नहीं करना है सिंपली आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप जाइए और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर सर्च बार है अभी एक बार खुल जाने दीजिए खुल गया गणेश चतुर्थी ऑफर भी चल रहा है जबरदस्त ऑफर चल रहा है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है सस्ता भी मिल रहा है 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है तो UPSIO कोड यहाँ पर आप लगाइएगा ये UPSIO आप सर्च बार में जैसे लिखेंगे सबसे ऊपर ये UPSIO का बैच आपके सामने आ जाएगा एक शानदार बैच है जो आपके सामने आ जाएगा और मैं आपको बताता हूँ देखिए मात्र 1899 रुपए का रखा है इससे सस्ता बैच तो कहीं मिल ही नहीं सकता और इससे सस्ता क्या आप ऑफर लगा दीजिए भाई इसके ऊपर हम क्या करते हैं ऑफर लगा देते हैं अभी ऑफर पे जाते हैं तो थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम इस वेबसाइट में थोड़ा इशू आ रहा है ठीक है और गणेश जी का है जय श्री गणेश जी का कोड अप्लाई करिए और ये 1424 रुपए का बैच हो जाएगा और 1424 नहीं भाई ये 1300 कुछ का मिलेगा 5% ऐप से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो गाइस फटाफट जुड़ जाओ इस बैच को ले लो 1200-1400 रुपए में बैच कहीं नहीं मिलने जा रहा है और कहीं मिलेगा तो ये क्वालिटी नहीं मिल पाएगी इससे जबरदस्त क्वालिटी अड्डा 247 से अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने जा रही है। हाँ जी सर मैं बिल्कुल सर ये हाँ जी हाँ जी तो बच्चों को मैं ये बता रहा था देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सर ने आपको बता दिया कि प्राइस जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस ये रखा गया है और आज जो है बहुत अच्छा ऑफर भी जो है अड्डा 247 की तरफ से हमेशा स्टूडेंट को दिया जाता है तो आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप लोगों को यहाँ पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसका मतलब ये है कि जो बैच आपका बेसिकली अगर 6 महीने का था वो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर 9 महीने का सर उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो आपको बच्चों को दिख जाएगा ऊपर 9 महीने का आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ पर देखो सर ने हाईलाइट कर रहे हैं इसको तो 9 महीने तक आप इस बैच को यूज कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि 3 से लेकर 3.5 महीने में कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। अब मैं आपको कोर्स के बाद बताता हूँ यहाँ पर 3 महीने का एक्स्ट्रा ऑफर यानी 12 महीने हो जाएगा 12 महीने हो जाएगा ओके तो 12 महीने यानी कि पूरे साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं कहने का मतलब ये कि 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम जो है आपको कवर करा दिया जाएगा अच्छे तरीके से उसके बाद भी अगर कोई आपका यूपी का अपकमिंग एग्जाम आता है तो आप इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो को देखे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिविजन के फॉर्म में
ला सकते हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे सर यूपी जीके की बात कर रहे थे, तो कई बार होता क्या कि बच्चे सोचते हैं कि यार हम लोगों ने एसएससी की तैयारी कर ली है और यूपीएससी यहीं से निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ पर ज्यादा आते हैं वो यही कैंडिडेट होते हैं, वो कर रहे होते हैं हरियाणा की तैयारी और आ जाते हैं यूपीएससी का पेपर देने के लिए, तो वो सटीक तरीके से एग्जाम के अंदर काम नहीं कर पाते, क्योंकि यूपी जीके है तो यूपी के अंदर यूपी का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक अलग चीज होगी आपके पास, अगर आप दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर एक अलग चीज होगी। तो ये जो जीके का पोर्शन होगा, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बहुत जरूरी है, इस बात को मैं बताता हूँ, 35 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स है और 35 नंबर पे काम नहीं चलेगा, ये आप ये जानते हैं, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। वैकेंसी यहाँ पर आई है, मैंने कल भी बच्चों को सेशन में बताया था। हाँ जी सर, सर बच्चे भरोसा नहीं कर पा रहे कि तीन महीने की ये फीस है 1424 रुपए, तो आपको बता दे 1424 रुपए पूरे कोर्स की फीस है भाई, पूरे कोर्स। तो अड्डा 247 हमेशा जो है स्टूडेंट को देखते हुए बेसिकली आपको बताता हूँ, ये बहुत ही मिनिमम फी रखी जाती है, और इसके पीछे एक रीजन होता है कि पूरी की पूरी एक बैकहेंड टीम होती है जो आप लोगों को पर्टिकुलर रिप्लाई करती है, आपके क्लासेस के आपको इंटीमेशन देती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पर जो क्लास होती है उसको अपडेट करती है, तो सारी की सारी चीजें जो होती है, इसलिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट। वैसे तो हमारे यूट्यूब पे भी सेशन चलते हैं, अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि यूट्यूब पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, किस टाइम पर सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी टीचर को पहली बार देख रहे हैं तो आप उनके यूट्यूब सेशन को भी अटेंड करके और जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया, अभिषेक सर ने, कि यहाँ पर जो है एडमिशन ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें जो है 500 से ज्यादा स्टूडेंट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर फिर अटेंशन जो है नहीं आ पाती इतनी ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सर ने यहाँ पर स्टडी प्लान भी आपके साथ शेयर करने लग रहे हैं, तो स्टडी प्लान भी आप देख सकते हैं, यानी 7th of September से क्लास शुरू होगी, तो पूरी की पूरी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है। कहने का मतलब क्या कि कोई भी चीज नहीं छुपाई जा रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट है किस तरीके से क्लासेस आपकी चलेंगी। आप खुद भी अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर और स्टडी प्लान को चेक कर सकते हैं, और लास्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम सर लास्ट में दिखाइएगा बच्चों को एक बार, तो आप देखेंगे डाउट के साथ प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल रहा है, यानी कि डाउट भी आपके क्लियर किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। आप देख पाएंगे लास्ट में 28th of November का डाउट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, और ये प्रोसेस जो है कम से कम पहले से स्टार्ट हो जाएगा, जिस टीचर का कोर्स जितने जल्दी खत्म होगा वो लास्ट तक आपके साथ बना रहेगा, तो प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, हाँ ओके, इसमें आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगा, उसमें मेरी तरफ से जो, क्योंकि मैं मूल विधि आपको पढ़ाऊंगा, एक स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं मिस्टर धीरज कुमार यादव की मूल विधि, तो सर मूल विधि जो है ना, इसे हम सब्सटेंसिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमोशन बोर्ड ने ऑलरेडी इसका सिलेबस दे रखा है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस बेसिक लॉ का जो मेन आधार होगा वो होगा कि क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो मेन फंक्शनिंग होती है वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, साथ ही साथ उसे ह्यूमन राइट्स, वुमन रिलेटेड लॉज, चाइल्ड रिलेटेड लॉज और SC ST से रिलेटेड लॉज की जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट को भी आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपको पहले टॉपिक कराऊंगा वो बाइलिंगल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, और उसको पढ़ाने के बाद आपको उसी क्लास में ही उससे रिलेटेड MCQ दिए जाएंगे, और कुछ MCQ आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे लेक्चर PDF के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेशली डिजाइंड ये बैच है, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपने इसे नहीं मिस किया तो ये और भी अच्छा है, तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करिए। ओनली 1400 रुपीज, 1400 रुपए, हम इतने रुपए में पता नहीं क्या, मतलब इतनी आज की डेट में बड़ी रकम नहीं है, 20 साल पहले बहुत बड़ी रकम होती थी, और इसमें आपको एक साल की वैलिडिटी का बैच मिल रहा है। अभिषेक सर, इसमें बच्चों का टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, इसमें UPSI के बैच में टेस्ट सीरीज, UPSI की टेस्ट सीरीज अलग से लगाइए, मात्र 50-100 रुपए की टेस्ट सीरीज है, वो भी हम ऐड करा देंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है सर, बिल्कुल, ठीक है ना सर। हाँ, ये सारी चीजें बच्चों को मिलेंगी, और आपको बता दें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल 500 सीटें, 100 सीटें फुल हो चुकी है 3 दिन के अंदर, और मुझे लगता है कि आज ये 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा, तो बहुत ही शानदार बैच है भाई, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस बैच को जो भी बेहतरीन फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, टॉप लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का यार हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सारे लोग, तो गाइज हम लोग एक चीज केवल यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस बैच को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा इस बैच पे एडमिशन ले और फटाफट सिलेक्शन ले, क्योंकि 1400 रुपए में ये बैच कहीं नहीं मिलने वाला है। एंड 7th of September का वेट ना करें, सबसे बड़ी बात है कि 7th of September को स्टार्ट होगा, उससे पहले वेट ना करें, यानी रजिस्ट्रेशन पहले ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग लेट हो जाए, और बाद में जो है इस बैच को दोबारा से जो है नया बैच बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि नया बैच लॉन्च भी ना हो, इसी बैच के अंदर हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो है एडमिशन, संजय प्रजापति को जल्दी एडमिशन लेना पड़ेगा, पूछा कब से शुरू है, तो 7 सितंबर से शुरू है और वैकेंसीज भी आ जाएंगे, एक बच्चा कह रहा था कि सब मतलब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, तो वैकेंसी जरूर आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, उन्होंने खुद कहा है,
आज तक के ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया आज तक पर कि ये वैकेंसीज आने वाले समय में आ रही है। अभी थोड़ा सिचुएशन इस कोविड की वजह से हो रही है कि कुछ चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी है, अभिषेक सर में से सहमत होंगे कि सर लास्ट का जो ये साल है उसमें बहुत एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात, कैलेंडर भी जारी हो गया, सबका एग्जाम का कैलेंडर भी जारी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप जो है आने वाले टाइम में आपको जो है एज ए बहुत सारे एग्जाम भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, तो ये निश्चिंत रहिए कि यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएगी और यूपीएसआई तो वैकेंसी आई रही है, तो इस पर पूरा धैर्य रखिए कि बिल्कुल निश्चित वैकेंसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज सुबह मैं बता देता हूँ कि एसएससी भी बिल्कुल एकदम एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर जो है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो जितने भी बॉडीज हैं वो सारे के सारे जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं वो सभी बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। आज भी जैसे अगर हम बात करें तो एसएससी ने भी 2018 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल नोटिस निकाला कि उनका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी वो निकालने वाले हैं, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब एक डायरेक्शन डायरेक्ट दिखाई दे रही है कि सभी बॉडीज जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो बनाई गई है इंडिया के द्वारा, तो वहां पर जो है सभी जो है रिप्लाई करने लग रही है बच्चों को। इसका मतलब सारे का सारा सिस्टम जो प्रोसेस में आ चुका है और ये यूपी सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आपके सामने है बच्चों, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है अपॉर्चुनिटी लीजिए। और कंपटीशन देखो, डेफिनेटली कंपटीशन इसमें अच्छा रहने वाला है क्योंकि एक तो 9000 वैकेंसी है प्लस में इसमें 28 जो है वो एज है, तो दिल्ली में मैंने कल भी बताया था कि दिल्ली के जितने भी धुरंधर लड़के हैं जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए वो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए आने वाले हैं आपके साथ, और वहां पर 25 साल एज होती है, यहां पर 28 साल एज है, तो 3 साल अगर किसी की एज निकल चुकी है तो यहां पर आपके सामने आके और कंपटीशन को फाइट करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि भाई स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिकली यहां पर जो है प्रैक्टिस जो है आपको पहले करनी पड़ेगी, इसीलिए आप इस बैच को जल्दी से जल्दी लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं सर हम लोग को लगता है कि सारी चीजें हमने बता दी है। संजय प्रजापति कुछ पूछ रहे हैं सर, इसकी एग्जाम कब तक जा सकती है, कुछ बता सकते हैं क्या सर जी? तो दिसंबर तक सर, नवंबर दिसंबर तक अभी प्लान है, जो हम लास्ट जो डीजी है उनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे दिसंबर तक हम प्लान करेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए 100% एग्जाम होंगे। और आपको बता दे जब भी वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन होता है या पेंडेमिक आता है तो गवर्नमेंट का नैतिक दायित्व होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकाले जिससे कि ये जो आर्थिक मंदी आई हुई है उसको दूर किया जा सके। ये इकोनॉमी में एक टूल्स के रूप में काम करता है, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स के रूप में काम करता है, तो गवर्नमेंट के जॉब सबसे ज्यादा 2020 और 21 में आपको दिखने वाली है। तो गाइस बस आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट तैयारी करो, बैच ज्वाइन करो, सिलेक्शन के लिए महारथी फैकल्टी आपके साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।